मुझे आज भी याद है अपनी प्रेगनेंसी का वो वक्त जब मेरी अम्मी और दादी मेरे लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आती थी, जैसे सौंठ के लड्डू, नारियल की बर्फी, खसखस और आटे के लड्डू। दिस थॉट इज मेकिंग मी ड्रूल। तो ये नेक्स्ट रेसिपी ना ऐसे ही वॉर्म्थ और प्यार भरी रेसिपी है। वन बाइट एंड यू विल फील कि जैसे किसी का कामिंग हाथ आपके सर पे हो। हम बनाएंगे डेट एंड ड्राई फ्रूट रोल। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए काजू। जैसे ही काजू थोड़े से हल्के फ्राई हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। बादाम के साथ साथ हम इसमें अब डालेंगे चॉप पिस्तास, कटे हुए अखरोट। सारे नट्स में एक एक करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हर नट का कुकिंग टाइम अलग है। अब हम इसमें डालेंगे सॉफ्ट सीडलेस खजूर जिनको हमने चॉप कर लिया है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब हम निकालेंगे। दिस फिलिंग इज अ वेरी वर्सटाइल फिलिंग। जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है लेट्स प्रिपेयर द रोल्स। रोल्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ होल व्हीट ब्राउन ब्रेड। एजेस को हम काट लेंगे। तो रोल्स बनाने के लिए हम बेसिकली बेलन की मदद से ब्रेड को फ्लैटन कर लेंगे एग्जैक्टली लाइक दिस। सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग प्लेस करेंगे। ये मेरे पास थोड़ी आटे की स्लरी है, ये मदद करेगा सारे एजेस को सील करने में। अच्छे से रोल करेंगे टाइटली। दूसरा वाला भी हम बना लेंगे। जस्ट प्रेस द एजेस। तो लीजिए इसी तरीके से हम सारे रोल्स बना लेंगे। रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे ब्रश करेंगे वेरी लिटिल घी के साथ। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, वी आर बेकिंग इट, सो वी वांट इट टू बी नाइस एंड क्रिस्पी। खजूर इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन और ये हेल्प करेगा बूस्ट करने में आपकी बेबी की इम्यूनिटी को। बेकिंग ट्रे को मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है। हम इसे बेक करेंगे इन अ प्री हीटेड ओवन जिसको मैंने पहले ही करके रखा है एट 180 डिग्रीज फॉर अबाउट 20 मिनट्स। इसे हम हनी के साथ थोड़ा ब्रश करेंगे ताकि हम इस पे सेसमी सीड स्प्रिंकल कर सकें और ये सेसमी सीड इस पे चिपक जाए। Some roasted sesame seeds. चलिए अब इसे प्लेट करते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे विथ सम रोज पेटल्स। आखिरी में हम इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ पिस्ता। तो लीजिए तैयार है क्रंची गुई डेट एंड ड्राई फ्रूट रोल। इस रेसिपी के पीछे मेरा ही नहीं मेरे घर की सभी मदर्स का हाथ है। आई होप दिस फैमिली ट्रेडिशन मेक्स यू नॉस्टैल्जिक टू। टेक अ क्विक लुक एट द रीकैप। डेट एंड ड्राई फ्रूट रोल्स बनाने के लिए पैन में 2 चम्मच देसी घी गरम करके इसमें 1/4 कप कटे हुए काजू, 1/4 कप कटे हुए बादाम, 1/4 कप कटे हुए पिस्ता और 1/4 कप कटे हुए अखरोट डालकर हल्का सा भून ले और फिर 1.5 कप सॉफ्ट सीडलेस खजूर डालकर मिक्स होने तक पकाएं। मिक्सचर को ठंडा कर दे। होल व्हीट ब्राउन ब्रेड की एजेस काट ले और उसे बेलन से पतला करके इसके सेंटर में फिलिंग डाल दे। ब्रेड के एजेस को आटा स्लरी से ब्रश कर ले और रोल करके प्रेस करे। रोल्स को देसी घी से ग्रीस करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में डालकर 20 मिनट के लिए बेक कर ले।
बाहर निकालकर रोल्स को शहद से ब्रश करके तिल को स्प्रिंकल करें। डेट एंड ड्राई फ्रूट रोल्स तैयार है। इस ब्यूटीफुल जर्नी का दूसरा पड़ाव भी हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। इस ट्राइमेस्टर में यू हैव एक्चुअली बॉन्डेड विद योर बेबी। अब वो आपको पहचानता है। Isn't that amazing? Up ahead will be your third trimester. But don't you worry. Through the thick and the thin, we will stand by you. अब मिलिए सबरीना से for your fit and fab session, जहां आज वो आपको सिखाएंगी एक challenging yet strengthening pose. So go enjoy this session. मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी. And always remember to stay happy. क्योंकि आपकी जर्नी खास है और हम आपके साथ हैं। वीरभद्र आसना या वॉरियर पोज, इससे बैक स्ट्रेंथन होती है और बैलेंस इंप्रूव होता है। सीधे खड़े हो जाइए विथ योर लेग्स 3 से 4 फीट अपार्ट। राइट फुट को 90 डिग्रीज पे बाहर की तरफ टर्न कीजिए और लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ 15 डिग्रीज पे। अपने हैंड्स को हिप्स पे रखिए एंड पुश योर राइट हिप फॉरवर्ड। अब ब्रीद इन करते हुए अपने आर्म्स को एनर्जेटिकली सीलिंग की तरफ बढ़ाएं। With palms facing one another. Simultaneously, right knee को bend करे, ensuring कि आपकी knee ankle से आगे ना हो। इस pose में settle होते ही stretch your arms as high as you can. अपने हाथों को नीचे और knees को straighten करते हुए starting position resume कीजिए। सेम पोज को लेफ्ट साइड पे रिपीट कीजिए।